फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। एक हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही की वजह से डिलीवरी के बाद मरियम सुल्ताना नामी एक खातून की हुई है मौत। तफसीलात के मुताबिक मरियम सुल्ताना को डिलीवरी के लिए नूर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इनकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई और इनको मुसलसल ब्लडिंग हो रही थी। अब वो दवाखाने वालों ने वहां से दूसरे हॉस्पिटल को मुंतकिल किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये ब्लडिंग नहीं रुक रही थी। अब ये डॉक्टर्स की लापरवाही है या फिर कुदरत को ये मंजूर था, ये हम तो नहीं बता सकते, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये पता चलेगा कि ये लापरवाही की वजह से मौत हुई है या फिर कुदरती मौत थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है और पोस्टमार्टम के बाद ही इसकी डिटेल आएगी और तभी कहा जा सकता है कि डॉक्टर्स की लापरवाही है या फिर ये कुदरती मौत है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज अबाउट 5:30 to 6 o'clock के टाइम पे यहाँ पे डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा, वो यहाँ पे लेके आए और उनके हस्बैंड और उनके घर वालों को, और फिर अब 1-2 घंटे पहले इनका डेथ हुआ बोल के डॉक्टर्स इनको इन्फॉर्मेशन दिए, और इनका हस्बैंड और इनके रिलेटिव्स इनके डेथ के ऊपर डाउट एक्सप्रेस करें, तो इसके लिए हम डेड बॉडी को उस्मानिया हॉस्पिटल भेजिए मेडिकल एग्जामिनेशन और PME के लिए, और इसके ऊपर केस रजिस्टर करके हम इन्वेस्टिगेशन। सब ये हॉस्पिटल में इनका डिलीवरी हुआ, वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं रुक रहा बोल के यहाँ पे लेके आए बोले, तो जो भी है टीम ऑफ डॉक्टर्स वहाँ पे एग्जामिनेशन करते डेड बॉडी के ऊपर, जो भी है रिजल्ट बाद में आ जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाता है। ओके सर, बैटलैन में रहता हूँ। सुबह में मेरी वाइफ की डिलीवरी का टाइम था तो नूर हॉस्पिटल में हम लोग सजेस्ट कर रहे थे, जैसा हमेशा की तरह 5 सिस्टर डिलीवरी हमारी वाइफ की वहीं पर थी। हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे हमारी वाइफ की कंडीशन बिल्कुल सही थी, 100%, बच्चा भी सहमत पैदा हुआ, लेकिन हॉस्पिटल डिलीवरी हो गया ना, ऑपरेशन से हुआ मसला। उसके अंदर क्या बोलते, फैमिली प्लानिंग का भी ऑपरेशन था। जब से उनकी तबीयत को क्या हो गया कि सर्जरी में क्या गलती करेगी वो लोग, फिर 3 घंटे तक ऐसे हम लोगों को मुसलसल फिराते गए, ना बच्ची से मिलने दिए ना किसी से मिलने दिए। फिर उसके अंदर डॉक्टर डायरेक्टली उनकी मर्जी से ब्लिस हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम गुड़ी मलकापुर के करीब में सजेस्ट करें कि वहाँ पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे अपन बच्ची को, लेके आके वहाँ पे सही होगा कंडीशन बोल के बोले, लेके आके इधर भी सेम वैसे डॉक्टर के साथ लेके आए, ब्लड मंगाए, दुनिया का ब्लड मंगाए, 70-75% का ब्लड मंगा लिए वहाँ से, अभी बताते बच्ची को बता रहे भी नहीं। फिर फाइनली 12:30 बजे के टाइम पे बोल दे रहे कि बच्ची वेंटिलेटर पे सांस पे है, अब टोटली ब्रीथिंग डाउन है उनका और हार्ट बीटिंग हाई है, अब कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि हाथ को उठा दिए उन्होंने। अब हम लोग जब डिलीवरी के टाइम पे लेके गए थे, जब सेहत कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी और बच्चा भी अच्छा सेहतमंद पैदा हुआ। नूर हॉस्पिटल से आप क्या बोल के कुछ करें? नूर हॉस्पिटल में एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आ गया, ब्लीडिंग नॉर्मल है, बल्कि ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन के बाद क्या इधर बोलो उनको बोलो, क्रिटिकल कंडीशन में थे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही बल्कि यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल में थोड़ा जाना बल्कि बोले, तो ब्लिस हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम पे लेके आए। और वो आजम डॉक्टर अर्जुमन के हाथ से हुई ये सर्जरी पूरी, फिर उसके बाद यहाँ पर लेके आए मेहदीपट्टनम के पास जो ब्लिस हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर हनीफ के हाथ से हुई सर्जरी। 3-4 घंटे उधर फिर आए, 3-4 घंटे इधर फिर आए, आखिर में फाइनली बोलने की बच्चे की सेहत कैसी है? बच्चे की बॉडी के ऊपर हर जरूरी निशाना है, उसके ऊपर पूरे बॉडी का कलर पूरा ब्लैक हो गया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ वाला सर्जरी में जब बच्ची का डिलीवरी था जब इस फॉल्ट में करे कुछ ना कुछ। ये ऑपरेशन से हुई डिलीवरी? हाँ, फिर डिलीवरी ऑपरेशन से हुई। ऑपरेशन बच्चे की सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है बच्चे की सेहत। तो अभी आप अभी कंप्लेंट दे रहे हैं इसके ऊपर? कंप्लेंट देना है पुलिस से, क्या बोलते हैं, पूरी उम्मीद है भरोसा है कि कुछ ना कुछ सही फैसला होगा हमारे हाथ में। कौन से पुलिस हबीब नगर और आसिफ नगर की पुलिस।
आसिफ नगर हबीब नगर में जी ये दोनों वहाँ है। आसिफ नगर पे कौन सा हॉस्पिटल? आसिफ नगर में अंडर आसिफ नगर में आता और नूर हॉस्पिटल हबीब नगर के अंडर में आता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख इरफान है। कहाँ रहते हैं? मल्लेपल्ली ए बैटालियन। ए बैटालियन जी। आज कब कर रहे थे उनको एडमिट? आज सुबह में 8:30 बजे सुबह 8:30 को मॉर्निंग सुबह 8:30 को जी। आप ट्रीटमेंट वही हो रहा था उनका शुरू से? वहीं पर बता रहे थे रेगुलर ट्रीटमेंट था। दोनों वाइफ और बच्चे की कंडीशन अच्छी है बोल के बोल रहे थे हमेशा जब भी गए। अच्छा। फाइनली वहीं पर लेके आए लेकिन डिलीवरी के टाइम पे ऑपरेशन पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। कितने बजे हुआ ऑपरेशन ये? 12:30 के दरमियान में हुआ। ब्लड चढ़ाए वो चढ़ाए ऐसा वहाँ पर तो ब्लड चढ़ाए बोल के बोले लेकिन कंडीशन पूरी टोटली वहाँ पे कोलैप्स हो गई। कितने पैकेट मंगाए आपसे ब्लड? हुआ टोटल फिर जाके दो लोग बोले ब्लड के बॉटल्स हम लोग की फिर लेके आए जाके जाके फिर लेके आए बाद क्या बोल रहे हम ना कुछ भी नहीं कर सकते आप लोगों को झूठी तसल्ली हम ना नहीं देना चाह रहे बोल के वैसा बोले। अगर वैसा रहता था तो 12 बजे के टाइम पे हम लोग को निकल के क्या बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया बीपी खाली फ्लक्चुएट हो रहा दूसरे हॉस्पिटल में अपन एडमिट करेंगे बोले तो हम लोग कौन सा हॉस्पिटल पूछे तो रिंची ने तो बोलो बोले ठीक है हम लोग अच्छी बातें बोले वो उसके बाद इन क्या बोले वो भी कर सकते तो हम लोग इस वास्ते कर रहे ये कंप्लेंट गई बोल तो आज के दिन हमारी बहन गई कल के दिन किसी और की बहन नहीं जाना। कौन है आप उनके? मैं भाई हूं उनका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़ सिर्फ आपकी आवाज़।